गीत आया है अच्छा आपको मैं बताना चाहूंगा क्या बड़े भैया श्री राजवीर जी मेरे घराने में एक भैया हमारे हैं बड़े जिनका कार्यक्रम अभी बौवा हलचल से खजूरी में था विश्वकर्मा पूजा के दिन और उन्होंने एक गीत गाया था मर्जी थी मेरी स्वर्ग तक जीना लगे और अगर आपके पास फोन नंबर होगा श्री शंभू हलचल जी का तो उनसे पूछ लेना कि दीपांशु श्रीवास्तव जी का नाम है और मंडल चलता है अनुपम तूफानी के नाम से और उन्होंने लिखा है गुरुजी अनुपम भैया के और हमारे बैठे हुए हैं अगर नंबर हो तो फोन करके पूछ लेना और अगर हम अपने घराने के गीत नहीं गाएंगे तो कहां गाएंगे ये समझते नहीं है बात को निकल पड़ते रात को फिर भी करते नहीं और जवाब तो वास्तव में आपने लाजवाब दिया है ये जवाब दे रहे हो कि जवाब दे रहे भैया अरे अभी से क्यों तेरी आंखों में आंसू पाए जाते हैं अभी से क्यों तेरी आंखों में आंसू पाए जाते हैं ठहर जा मरीजे कम अभी वो आए जाते हैं और हिनाई उंगलियों को और भी रंगीन बनाने को नहीं मिलती है घर मेहंदी तो यहाँ दिल पिसवाए जाते आप हमारे मेहमान हैं तो मैं भी आपका पूरा सम्मान कर रहा हूँ लेकिन आपको मैं एक बात चोट देकर शीशे दिल चूर कर देते हैं आप बड़े भैया चोट देकर शीशे दिल चूर कर देते हैं आप मेरे दिल को अपने दिल से दूर कर देते हैं आप जी नहीं करता कि हरगिज दूर जाऊं आपसे जी नहीं करता कि हरगिज दूर जाऊं आपसे हाँ मगर बर्ताव से मजबूर कर देते हैं आप है ना ये गरीबी पेट भर खाना खाने नहीं देती इतनी मेरी खुदारी है कि कहीं हाथ फैलाने नहीं देती जी तो चाहते हम चला जाऊं परदेश कमाने को लेकिन हे भैया तुम्हारी ऐसी मोहब्बत को कहीं जाना नहीं देती बारेली से आए हैं आप और कुछ मोहब्बत यहाँ से भी ले जाए आप बहुत सम्मान हम लोग आपका करते हैं आप बड़े गीत आपने दिया कि मानो तुम गंगा माँ हो Oh,
भगवान बसे भावों में, पत्थर जिसने पिघलाया। बहुत बढ़िया तरकीब आपने दी है, सुनिएगा जवाब। ये जो जनमानस है, इस जनमानस से श्री राम चरितमानस क्या कह रहे हैं सुनिए। कह रही है कि मैं श्री राम की हूं मर्यादा, गीत दिया है कौन सा?
राजवीर भैया कि हम भूल गए हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूल। ये बस आप ही की मोहब्बत है जो ऐसा चल रहा है। सुनिएगा, आपने अपने गीत में एक विशेषता दिखाई है कि बन गई सियारा रानी, सुनो रविवार का वो दिन अहिल्या को पारा तो रविवार का दिन था, संजीवनी बूटी लाए तो रविवार का दिन था, रात को मारा तो रविवार का दिन था। क्या बात है। और आपने यहाँ तक बताया कि जिस दिन ये गीत लिखा गया गुरुवर श्री चंदन जी ने वो दिन भी रविवार का था और रविवार छुट्टी का भी दिन होता है। ये सारे दिन छुट्टी में ही करते हैं, गाना बजाना वो भी छुट्टी में, गाना गाते वो भी छुट्टी में। आइए हम आपको क्या दिखा रहे हैं, दिखा भी रविवार के दिन से पहले एक शनिवार आता है। अंग्रेजी महीनों में तो खैर संडे मंडे ट्यूजडे, लेकिन जब बात हम करते हैं तो सोमवार मंगलवार करके मंगल शनिवार के दिन की बात सुनिएगा। देख लो कि ग्रंथों ने किया बखान, बेटा ढोलक बजा रहे चैना चीज में कि ग्रंथों ने किया बखान, जानो दिन शनिवार था। ग्रंथों ने किया पठान, जानो दिन शनिवार का था। रचनाकार महोदय दादाजी ने लिखा है, सुनेगा किस्सा कर के तट पर सनी ने बहुत अच्छे बेटे सागर के किनारे सागर के किलिया बात पूछ में श्रीमान, क्या बात है बड़े, क्या बात है, क्या बात है बड़े, ये बोले आपका डमरू, क्या बात है बड़े, ये जब सनी
ग्रंथों ने दिया बखान जनो दिन अगली कहानी के बाद सुनेगा महाराजा अम्बरीश की। और बड़े भैया आपने जो जवाब दिया है वास्तव में काबिले तारीफ है। ये मैंने कहा था रावण सोच रहा है क्या कि मर्जी थी मेरी स्वर्ग तक जीना लगे जीना है। जीना का मतलब है सीढ़ी। वो सोच रहा था उसका अहंकार बोल रहा था बाजीराव पेशवा जो आज भी बिठूर घाट पे बनी हुई वो सरगर्सम वो सीढ़ी पेशवा की सोच थी कि सीढ़ी बने। और राजा फिरोज उसकी सोच थी कि स्वर्ग तक सीढ़ी बने। लेकिन जवाब आपने दिया है क्या बताया बहुत ही लाजवाब है। सुनिएगा कहना है राजवीर भैया अभी आपने बहुत अच्छी शेर सुनाई थी मुझे डूब मरो कुछ ऐसे था। सुनिएगा सुना था कहना है कि उड़ा दिए कबूतर सुमार क्या देखा। उड़ा दिए कबूतर तो सुमार क्या करना और
बिछुड़े हुए मित्रों का अब इंतजार क्या करना है। मेरे हाथ में मौका भी है, तलवार भी। मेरे हाथ में मौका भी है, तलवार भी। लेकिन गिरे हुए दुश्मन पे वार क्या? अब आया पहाड़ों के नीचे। अरे एक चीज सुनिएगा सुना बेटा। ये गीत भी मेरे घराने से है। अगर आपने सुना होगा तब तो और अच्छा जवाब आएगा। ये आप 500 साल से गा बजा रहे हैं, इनको तो सुनना होगा। एक गीत आया कौन सा? अरे छुड़ो कर आमने सामने खड़े हैं और विश्वामित्र ने अपने हाथ में एक मुंदरी पहन रखी है। तो राजा दशरथ, राजा दशरथ ने जैसे देखा विश्वामित्र को, तो विश्वामित्र से कहा यार संत है और संतों के हाथ में ऐसी अंगूठी अच्छी नहीं लगती। तो विश्वामित्र ने बताया कि आखिर अंगूठी आई कैसे, बताया कि एक बार विश्वामित्र और वशिष्ठ जी आपस में झगड़ रहे थे कि आखिर बड़ा कौन है, कौन है। और झगड़ते झगड़ते भगवान शेष के पास पहुंच गए। सुनिएगा, दिखाया ताप, क्या बात है, दिखाया ताप, दिखाया ताप, दिखाया ताप, तापन ऐसा। भगवान विश्वामित्र ने दिखाया ताप, कपल ऐसा बना तप पर समस्या है, बना तप पर समस्या
संग के पल से हारी उसकी तपस्या हारी उसकी तपस्या है। देवी ने कहा कि एक पल के लिए इस धरती का भार कोई रोक लो तो मैं समझौता कर दूंगा कि आखिर बड़ा कौन है। वशिष्ठ जी ने जैसे रखना चाहा नहीं रख पाया तो विश्वामित्र जी ने एक पल के लिए धरती माँ को अपने ऊपर रखा। तो विश्वामित्र जी कह रहे हैं दशरथ से क्या कि हमने तपताप के पल से धरा का भार जो धारा को हमने तपताप के पल से धरा का भार जो धारा को धराई मिल गई मुंदरी धराई कौशल्या जी को दिया और कौशल्या जी ने सीता जी को दिया। दिया दशरथ जो मुंदरी दिया दशरथ ने जो मुंदरी उसे कौशल्या ने मुदित मन मातु कौशल्या मुदित मन मातु कौशल्या सिया मुख चंद्र लख जाया तो दिखाई मिल गई और वही मुंदरी सीता जी ने अपने हाथों में धारण किया। एक समय के बाद जब भगवान राम गंगा जी को पार करके राम लक्ष्मण और सीता जी के साथ तट पर खड़े हुए उस समय उत्तरी करुपार उत्तरी करुपार सुर सर के सिया से बोल और कहा कि हे प्रभु ये उतराई दे दीजिए और भगवान राम के हाथ में उस समय वो मुंदरी पहुंच गई और केवट ने लेने से मना कर दिया। उतारा पार हम सबको मिले केवट को
हनुमान जी से कहा गया कि सीता जी की खोज करने के लिए आपको जाना है, तो भगवान राम ने उनको मुद्रिका दी। इधर सीता जी अशोक वाटिका में बैठी हुई है और हाथ को ऐसे किए हुए हैं कि हे प्रभु आज कोई आग का अंगारा ऊपर से गिर जाता मैं उसको खा लेती और मेरी जीवन लीला यह समाप्त हो जाती। ये सोच रही थी कि हर चित्र सीता मन बहुत चिंतित है तो तरुणी झुरमुर से है जाना। हनुमान जी ने पेड़ की झुरमुट से उस मुंदरी को नीचे डाला और सीता जी सोच में बैठी हुई थी हाथ फैलाए उनकी हाथ में जागरी चिन्हाई मिल गई पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की। आइए एक चटकी अभी एक भाई लोग कह रहे थे कि कोई बिल्कुल बहुत चंद्र शब्दों में एक चटकी सुनिएगा। एक गीत बहुत बढ़िया था कि मन करे सिलावट बोलो हासे मन करे सिलावट बलो हासे कोटि जवानी रजो कौन कहतिया। आपने गीत में ध्यान सुना होगा, आइए अपनी ओर से तकबीर सुनेगा। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के आए और जैसे पर्वत को रखा तो इतनी जल्दबाजी हुई वानर भालुओं में करे वहां के वानर भालु सब कहे सिलावट पे Thank you.
सबने दिया सबने दिया आपने सुना नहीं कहा था कि वहां जितने भी बागर भालू हैं वो कह रहे हैं Get up!
चामुंडा युद्ध भूमि में युद्ध कर रही थी, अचानक टन 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 घंटी बजने लगी। माँ युद्ध भूमि से भागी और आकर देखा एक चरवाहे की कहानी आपने सुनी होगी, जिसने कहा था कि आए माँ अगर मेरा विवाह हो जाएगा तो मैं सर काट के अपना चढ़ा दूंगा। ये कहानी आपने सुनी होगी। विवाह के बाद चरवाहे ने सर काट कर चढ़ाया, फिर उसकी पत्नी ने भी चढ़ा दिया और उसकी उसका भाई जो साथ में आया था उसने भी अपना सर काट के चढ़ा दिया। बात यहाँ से है और इसी में लफड़ा हुआ। और जब सिर एक दूसरे का एक दूसरे के धड़ से लग गया तो कि धड़ से सर किसी का जुड़ गया। गजब है गवा, गजब है गवा, गजब है गवा। और माता रानी कि मैया सोचे कि ये क्या हो गया। मैया सोचे ये क्या हो गया। ये रहा आपकी तरबीज के अथासक्ति प्रयास। और आपने एक गीत दिया है, एक गीत आपने दिया है, डोल है के जमाना चाहे आई तुमको आना पड़ेगा।
फिल्मी बिठा लगाई है, प्रयास है। प्रयास सुनिए कि प्रभु के तरस पाकर के आपका गीत जहां पे समाप्त होता है वहीं से जवाब है, प्रयास है। विश्वामित्र जी ने हरिश्चंद्र से कहा क्या कि प्रभु के तरस पाकर के सुख में ये जीवन तुमको बिताना पड़ेगा। और गंगा तट पर विश्वामित्र ने कहा जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। सुनिएगा, अग्नि सिख की थी लीला है जारी, जिसने मौत को जीत लिया। तुम मृत्यु पे विजय पाना उसको अपनाना ये समझाना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। क्योंकि गीत जवाब जवाब होता है, आपने भी अभी उसी विधा का निर्वहन किया है, चाहे तीन अंतरे का गीत हो चाहे चार का, लेकिन जवाब आपने एक ही अंतरे का दिया है। आइए एक गीत मेरी ओर से सुनिएगा। सुनिएगा और आपको बता दें, एक वादा भगवान भगवान ने केवट से भी किया था, चाहते तो वो भी गाते, लेकिन आइए एक गीत सुनेगा। समय को देखते हुए एक गीत आया अच्छा, अरे तू लगावे लू जब जा रहा हूं, ये हमारे मंडल में जिन्होंने हमको कीर्तन में पैदा किया है, कीर्तन क्षेत्र में जो लाए हैं परम आदरणीय दादा श्री सत्यदेव सिंह विक्रम जी, रचनाकार हैं बहुत मेहनत से।
और आपको इनका भी घराना बता दें, ये अमर घराने से है और हम लोग इनके घराने से हैं। सती नर्मदा, सती नर्मदा, एक बार उसके पति को श्राप हो गया कि अगर सुबह का सूरज उग गया निकल आया तो तुम्हारा पति मर जाएगा। हाँ, एक जगह मैंने गीत गाया था तो मैंने नर्मदा कहा तो उधर जवाब सांडली से आ गया। नर्मदा और सांडली एक ही है। तो जब सभी देवता परेशान हो गए और जब परेशान हो गए तो माता अनुसुईया के पास पहुंचे और माता अनुसुईया सभी सतियों के साथ में पहुंची और कहने लगी, क्या बोली सती से अनुसुईया मां ऐसी ठान ठान सती जी ने, सती अनुसुईया ने नर्मदा सती से कहा, नजर खोल कर देख सती ने बोली ऐसी पानी पानी और बताने का प्रयास किया, क्या कहा अनुसुईया से कि मेरे सुहाग की लाली हेलो। इस गीत की विशेषता है कि इसमें जितने भी लाली पाप हैं सब ओरिजिनल कह रही है कि मेरे सुहाग की लाली ये रात अमावस काली बनी बनी रात अमावस काली ऐसन श्राप लागे अरे ऐसन श्राप लागे। तो अगर सूर्योदय हो गया कि सूर्योदय की अरुणी सूर्योदय की अरुणी छटा ये लाली पाप लागे लो। सूर्य सूरज की लालिमा जो है अगर निकलेगी तो मेरे लिए पाप के समान हो जाएगी। अगली बात सुनिएगा, सती सावित्री के पति को यमराज लेकर चल दिए और वरदान आखिरी में तीन वरदान सावित्री को दिए और आखिरी में एक वरदान दिया कि पुत्रवती हो। जब कहा पुत्रवती हो, सुनिए पुत्रवती हो धीमती पुत्रवती होती बेटी वरदान दिया है यमुने यमुने यमुने। अपने आप लागे और
कि पति बिन मांग पति बिन पुत्र मांग सिंदूर में लाली और कौन सी लाली पाप है इस महंगाई और गरीबी ने है सबको ये जो महंगाई है इस महंगाई में हर गरीब परेशान है तो मजबूर बा जब बाप बन गया मजबूरी माँ बाप बन गया बेटी का कैसे कि कैसे हाथ करूंगा पीले गरीब बाप सोच रहा है वो गरीब बाप सोच रहा है कि आखिर ये जो बेटी है ये इसके हाथ कैसे पीले करूंगा कि कैसे हाथ करूंगा पीले हो गए नैन वो पीले तो मजबूर बाप लागे ले तो इसलिए इसलिए गर्भ के अंदर आई लाली और एक लाली पाप सुनिएगा गोपिकाएं विरह में पागल हैं उद्धव ज्ञान की बातें बताने आ रहे हैं मनमोहन के सम्मोहन की मोहमयी है माया माया और रोम रोम में तन मन में मोहन का प्रेम समाया समाया गोपिकाएं सोच रही हैं कि विक्रम दर्शन है अभिलाषा मोहन के प्रेम का प्यासा मोहन के प्रेम का प्यासा पितल संताप लागे तो लाली बाप है क्या अरे उठाओ तुम्हारी ज्ञान की बात है उठाओ तुम्हारी ज्ञान की बात है लाली बाप लागे शब्दों में कटी सुनिएगा एक गीत आया था बड़े भैया ये मध्य प्रदेश से नहीं आया था ये बॉम्बे वालों ने गाया था लता जी ने गाया अरे नदिया किनारे नदिया किनारे हेराए आयु ऐसे उलझ गया
एक समय की बात, स्वप्न में देखा उषा ने कि पति मेरे है आए, नींद खुली जब उनकी तो पास नजर ना, तो सोच रही वो सोच रही है कि आखिर स्वप्न में मेरे पति आए और आकर के कोई भी हलचल नहीं की, आने का मतलब क्या? कह रही है अरे ए हे, अरे अंगना में आके कह रही है अंगना में आके, अंगना में आके लगायो मोहि है लगायो मुहे अंगना और बाजी न पायल, बाजी न पायल ना बाजो कंगना, अंगना में आके ना बाजो राठौर, ये YouTube चैनल कशिश सिंह राठौर के नाम से चल रहा है। बिटिया रानी की ओर से क्या उन पत्र मुद्राएं हैं, माता रानी कल्याण करे और बिटिया का आशीर्वाद सदैव हम बच्चों पर पड़ा रहे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।